कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है। आज यात्रा की शुरुआत खेरदा से हुई है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भीषण आग लगी है। भागीरथ पैलेस की दुकानों में भी आग लगी है। वहीं दमकल विभाग की 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के वक्त ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था। राजस्थान के भिलवाड़ा में 2 लड़के बाइक पर जा रहे थे, तभी 2 लड़कों ने स्कूटी पर आकर उन पर फायरिंग की। उनमें से एक की मृत्यु हो गई है जबकि एक घायल हो गया है। इस हादसे के आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। भारतीय विदेश सेवा के 3 अधिकारियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है। इसके तहत IFS दीपक मित्तल को PMO में OST बनाया गया है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के विभागीय अध्यक्ष को सरतन से जुदा की धमकी भरा पत्र मिला है। विभागाध्यक्ष ने कहा कि पत्र में मुझे मेरे परिवार वालों को सरतन से जुदा की धमकी मिली थी। मैंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर मुझे बॉडीगार्ड दिया है। मौसमी परिस्थितियों में बदलाव की वजह से आज दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। लुढ़का हुआ पारा भी प्रदूषण बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कारक होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक तरह से मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है, जिससे साफ होता है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की साजिश कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिवर्तन निदेशालय द्वारा जांचे जा रहे 466.51 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक और CEO राणा कपूर को जमानत दे दी है। बॉलीवुड के दिग्गज नेता अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है। उनकी ओर से वकील हरीश साल्वे पेश हुए। न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष मामला चल रहा है।